Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब लोग. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. और आज जो मैं रेसिपी सिखा रही हूँ वो स्पेशली उन मॉम्स के लिए है जिनके बच्चे पिकी ईटर्स हैं और वो कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हैं उनके लिए. सो ये रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों की जो बेबी फूड रेसिपीज़ हैं उसमें ऐड हो जाएगी. और आज मैं बना रही हूँ ब्रेड एंड बटर पुडिंग. और बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, लेकिन बहुत हेल्दी है और विंटर्स के लिए स्पेशली बहुत कंफर्टिंग है अगर ब्रेकफास्ट में बच्चों को दें तो. सबसे पहले तो इसके मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी और जो क्वांटिटीज़ हैं एग्जैक्ट वो आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा. स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को. इसमें सबसे पहले मैं ले रही हूँ 4 to 5 ब्रेड स्लाइसेस जिनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है और इसकी साइड्स रिमूव कर दी हैं. साथ ही मैं ले रही हूँ इसमें एग और शुगर जाएगी, और मैंने ले लिया है बटर, साथ ले लिया है सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर और वनीला एक्सट्रैक्ट के कुछ ड्रॉप्स, ये ऑप्शनल है, और साथ में ले लिया है मैंने मिल्क. तो सबसे पहले मैं पैन में डाल रही हूँ बटर, और बटर को मैं बिल्कुल हल्का सा मेल्ट करूँगी. आप देखेंगे कि अभी ये मेल्ट भी नहीं हुआ और इससे पहले ही मैंने इसमें ये जो ब्रेड के क्यूब्स थे ये डालना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि साइड बाय साइड ये मेल्ट होता रहेगा. अगर इसको मैं वेट करूँगी इसके मेल्ट होने का तो ये जलने लगेगा. सो बहुत हल्की आँच पर मैं ये जो ब्रेड क्यूब्स हैं इनको लाइट सा फ्राई कर रही हूँ इस बटर के साथ. बेसिकली ये आप देख रहे हैं कि बटर ने जो है वो क्यूब्स को अच्छे से कोट कर लिया है. और मैं फिर से बता रही हूँ कि जो मेरी मेरा जो फ्लेम है वो बहुत लो था और ऑफ एंड ऑन मैं इस पैन को फ्लेम से हटा भी रही थी ताकि जो ब्रेड है वो जलने ना पाए. और अभी ये फ्राई हो गई है तो इसमें मैं डाल रही हूँ मिल्क, और मिल्क डालने के बाद अगेन मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी. और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर दालचीनी का पाउडर, ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, और साथ डाल रही हूँ इसमें मैं वनीला एक्सट्रैक्ट. वनीला एक्सट्रैक्ट जो है वो ऑप्शनल है, चाहे तो स्किप कर दें. और अभी इसमें डाल रही हूँ शुगर, और शुगर डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हम वेट करेंगे एक बॉयल का. तो ये से बॉईल आ गया था और आप देखें कि ये जो क्यूब्स थे ब्रेड के काफ़ी डिसॉल्व हो गए थे मिल्क के साथ. और अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है एक एग, और अगेन मेरी जो हीट है वो जो फ्लेम है बहुत ज़्यादा स्लो था और इसको मैं बहुत तेज़ी से मिक्स कर रही हूँ ताकि वो स्क्रैम्बल एग स्क्रैम्बल ना हो जाए बेसिकली मिल्क के अंदर. सो अच्छे से ये सारा इनकॉर्पोरेट हो जाए इस पुडिंग में. और ये देखें मैंने इसको बोल में निकाल लिया. तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.